नकली खाद्य सामग्री बनाने वालों की अब खैर नहीं, क्योंकि सीएम फ्लाइंग लगातार शहर में छापेमारी कर रही है, चाहे वो कोई फैक्ट्री हो या कोई दुकान। आज सीएम फ्लाइंग की टीम ने सुबह 6 बजे से उन गाड़ियों पर नजर बनाए रखी जिनमें खोया या फिर पनीर या फिर दूध रखकर सप्लाई किया जाता है। सुबह सीएम फ्लाइंग की टीम को एक ब्लैरो गाड़ी में खोया और पनीर मिला तो उन्होंने उसके भी सैंपल लिए। इतना ही नहीं, टीम द्वारा आज सनोली रोड पर औचक निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान टीम हरियाणा मावा भंडार पर पहुंची और वहां पर दूध से बनने वाली सभी चीजों के सैंपल लिए गए। आज औचक निरीक्षण किया गया जो दूध और पनीर को लेकर ये सनोली रोड पे सवेरे 6 बजे एक गाड़ी बलैरो जिसमें खोया और पनीर था उसका सैंपल लिया गया। FSO द्वारा सैंपलिंग कराई गई और कुछ दूध के जो मोटरसाइकिल UP से आती है दूध लेकर मिलावट का उसमें उनकी भी सैंपलिंग करी गई दूध को लेकर। अब हरियाणा खोया भंडार इसकी भी कुछ शिकायतें थी भी मिलावट को लेकर और इसका भी औचक निरीक्षण किया जा रहा है अभी मौके पर। क्या क्या सैंपल लिए सर यहाँ से? सैंपल लिए हैं सर खोया, पनीर, मिल्क केक, गुलाब जामुन, रसगुल्ला, देसी घी और जो भी आगे आइटम मिलेगी उसको देखेंगे, ये सैंपल लिए गए। आज सनोली रोड पर सुबह से ही टीम औचक निरीक्षण कर रही है ताकि नकली चीजें बनाने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जा सके। फिलहाल टीम द्वारा सैंपल लिए गए हैं, देखना होगा कि कब तक सैंपल की रिपोर्ट आती है। वहीं आपको बता दें कि कुछ दिन पहले भी सनोली रोड पर शिव माव भंडार से भी सैंपल लिए गए थे। वॉइस ऑफ पानीपत के लिए प्रदीप पांचाल के साथ कुलवंत सिंह।